लहसुन की खेतों में लहसुन की फसल खड़ी है, उसकी निगरानी अब बंदूक के सहारे की जा रही है। बिल्कुल, फसल की रखवाली के लिए बंदूक ही नहीं है, सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर कुत्ते भी रखे गए हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि लहसुन का भाव बहुत ज्यादा है। और जाहिर तौर पर जब भाव ज्यादा बढ़ गया है तो ऐसे में चोरी की वारदातें भी बढ़ गई हैं। यही वजह है कि लहसुन की चोरी रोकने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। खेत में लहसुन उगल रहा सोना, कीमत भारी इसलिए पहरेदारी। सोने जैसा भाव खेत में किसानों का पड़ा। सुरक्षा की चिंता तीसरी आंख से नजर। सावधान, खुखार कुत्ते कर रहे रखवाली। उज्जैन सहित पूरे प्रदेश में लहसुन उत्पादक किसानों में इस वक्त खुशी की लहर है, क्योंकि लहसुन के भाव आसमान पर हैं, या कहें कि सोने के भाव लहसुन बिक रहा है तो गलत नहीं होगा। कभी 5 रुपए किलो मिलने वाला लहसुन आज 400 रुपए किलो के पार पहुंच गया है। ऐसे में खेतों में खड़े लहसुन की रखवाली की चिंता भी किसानों को सता रही है। उज्जैन के किसानों ने खेतों में लहसुन की फसल को चोरों से बचाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। बंदूक के साए में लहसुन की फसल की निगरानी के लिए किसान खेतों में पड़ाव डाले हुए हैं। कारण क्या है, ये लहसुन की बहुत जगह वीडियो देखते हैं हम यूट्यूब के, तो उसमें चोरी क्या आता है कि वहाँ फलाने गांव में लहसुन उखाड़ के ले गए या काट के ले गए, तो उसका कारण चौकीदारी कर रहे हैं इसकी। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा क्या, लहसुन का भाव कुछ तेज है ना इस साल। क्या कारण हो गया ये बढ़ गया? तो लहसुन का रकबा भी कम है इस साल, मौसम के कारण लहसुन भी खराब बहुत हुई है, तो इसलिए भाव टाइट है लहसुन का। कुछ किसानों ने तो हाईटेक तरीका अपनाया है, खेतों में सीसीटीवी तक लगा दिए गए, कुत्तों से खेतों की रखवाली की जा रही है। किसान क्या करें, जिस तरह से कुछ जगह लहसुन चोरी के मामले सामने आए हैं, उसके बाद से किसान परेशान और चिंतित हो गए हैं। अभी गत वर्ष से ही थोड़े लहसुन के भाव बढ़े हुए हैं, उसके पहले किसानों ने काफी नुकसान भी उठाया, 100 रुपए क्विंटल भी लहसुन बेची है, पर ये इस बार समय है किसानों को लहसुन के भाव लेने का, तो उसकी रखवाली कहीं कुछ जगह चोरियां भी हुई है लहसुन के खेत उखाड़ के रात में ले गए चोर, तो अब रखवाली करने के लिए किसान अपनी व्यवस्था से सीसीटीवी कैमरे और बंदूक लेकर रात के समय निगरानी करते हैं, रात को यहीं सोते हैं। छिंदवाड़ा के मोहखेड़ क्षेत्र में किसानों ने निगरानी के लिए खेतों में सीसीटीवी कैमरे लगवा लिए हैं, जिससे खेत में लगी फसल और काम कर रहे मजदूरों की निगरानी की जा रही है। एक तो मौसम की मार से किसान परेशान हैं, लेकिन इस बार लहसुन के दाम ने किसानों को एक उम्मीद दी है। ऐसे में किसान किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहते हैं, जिससे उनको नुकसान उठाना पड़े। उज्जैन से अजय पटवा, News 18। तो देखिए, अभी तक आपने ये सुना होगा कि पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता या भरण पोषण के लिए हर महीने रुपए देता हो, लेकिन इंदौर में एक बेचारे पति को पत्नी हर महीने गुजारा भत्ता देगी। फैमिली कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पत्नी को ये आदेश दे दिया है। दरअसल इन दोनों का केस इंदौर के फैमिली कोर्ट में चल रहा था, और बताया जा रहा है कि दोनों की पहचान किसी दोस्त के जरिए हुई, फिर लड़की ने शादी के लिए दबाव बनाया और 2022 में शादी हो गई। लेकिन शादी से घरवाले खुश नहीं थे, उसके बाद घरवालों ने समझाया, जिस पर युवक ने पुलिस को शिकायत दे दी और भरण पोषण के लिए कोर्ट में केस लगाया। पति ने केस लगाया, इधर पत्नी ने भी घरेलू हिंसा का केस लगा दिया। कोर्ट ने पीड़ित को बताया कि पत्नी की वजह से उसकी पढ़ाई छूट गई। उधर पत्नी के ब्यूटी पार्लर चलाने की बात कोर्ट को पता चली, जिसके बाद कोर्ट ने पत्नी को हर महीने 5,000 रुपए अपने पति को भरण पोषण के तौर पर देने का आदेश सुना दिया। मैंने जो है अंतरिम भरण पोषण के लिए उसका आवेदन लगाया था उसमें, और जिसका माननीय परिवार न्यायालय ने उसको स्वीकार करते हुए दोनों के उसके तथ्य भी रखे थे कि लड़की जो है ब्यूटी पार्लर का काम करती है,
और लड़का जो है अभी पढ़ाई कर रहा है, उसकी पढ़ाई भी छूट गई थी इसके प्रताड़नाओं के चलते। तो जब और उन्होंने जो रजनीश नेहा के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में लड़की ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया था, दोनों में उसके जवाब में उसमें कंट्राडिक्शन थे, तो माननीय न्यायालय ने यह देखते हुए लड़के को जो है पत्नी से पति को भरण पोषण की राशि 5,000 रुपये प्रति माह और वाद का व्यय अलग से देने का आदेश।